सो हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर हम लोग कवर करेंगे फिजिक्स का अपना अगला चैप्टर एंड दैट इज़ साउंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर और यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि मिनिमम ई को सुनने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए, ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, ठीक है। और अगर रिवर्बरेशन, इससे काफ़ी क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगर आप NDA का पेपर उठा के देख लो, चाहे NDA हो चाहे CDS, NDA में तो ऑलमोस्ट हर साल इस रिवर्बरेशन से क्वेश्चन मिल ही जाता है कि रिवर्बरेशन क्या होता है और आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है, पिच क्या होता है, लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है। तो इन सब पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, खासकर अगर आप NDA का पेपर उठा के देख लो तो आपको क्वेश्चन इस टॉपिक से मिल ही जाएगा, ठीक है। और कई सारे बार तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, इस टॉपिक से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं साउंड, ठीक है। साउंड होता है क्या, ये आपको पता है। बेसिक यहाँ पर मैं डेफिनेशन नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। मेन जो मुद्दे की बात है, जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो साउंड, अब यहाँ पे मेन बात आती है, ट्रैवल कैसे करता है, यानी प्रोपोगेट कैसे करता है साउंड, यानी कि जो ध्वनि होती है वो कैसे, ध्वनि तरंगे चलती हैं और ध्वनि कैसे प्रोपोगेट होती है। तो सिंपल, इसका जो प्रोपोगेशन होता है, ये इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि साउंड फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी अपना पेन जो है ऐसे करके, हो सकता है आपको वॉइस आ रही हो, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, इस वजह से साउंड प्रोड्यूस हुआ। मैंने ऐसे स्ट्राइक किया और उससे साउंड प्रोड्यूस हुआ, लेकिन मेरे तक या फिर आप तक कैसे पहुंचा। लेकिन यहाँ पे मैं, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ इसको प्राइमरी एज अ प्राइमरी, वो तो आप डिजिटल के फॉर्म में सुन रहे हो, तो मुझे यहाँ पे मेरे इस पेन पैड के बीच में और मेरे कान के बीच में जो यहाँ पे वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होंगे, वो इसको प्रोपोगेट करवा रहे हैं साउंड को, ठीक है। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम, ठीक है। साउंड एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होगा, जैसे मंदिर का घंटा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, साउंड प्रोड्यूस हुआ। मैंने पेन पैड में अपना पेन, ये अपना पेन ऐसे किया तो वो एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, उससे साउंड प्रोड्यूस हुआ। लेकिन अभी प्रोपोगेट कैसे हुआ, ट्रांसमिट कैसे हुआ, एक मीडियम के थ्रू। ये मीडियम यहाँ पे सॉलिड हो सकता है, तो यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे। गैशियस, जैसे अभी कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, एयर है ना बीच में, ठीक है, तो गैस के पार्टिकल के थ्रू वो ट्रांसमिट हो रहा है। लिक्विड भी हो सकता है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि साउंड की स्पीड किस में ज़्यादा होती है, बिकॉज इस पे भी आप NDA का पेपर उठा के देख लो, हर बार क्वेश्चन मिल जाएगा। अब NDA कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं CDS CAPF के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट NDA के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। साउंड मूव्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, इट सेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अराउंड इट वाइब्रेटिंग, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इन द मीडियम टिल द साउंड रीचेस द ईयर। द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाई द सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है, इन द मीडियम ट्रैवल्स थ्रू द मीडियम एंड नॉट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। फिर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स। व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, इट पुशेस पुशेस एंड कंप्रेसेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट, क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। दिस रीजन इज अ कॉल्ड कंप्रेशन। और कंप्रेशन और रेयर फैक्शन तो होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या कंप्रेशन होता है और क्या रेयर फैक्शन होता है। व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड, इट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर कॉल्ड द रेयर फैक्शन। एज द ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ रैपिडली, अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन इज क्रिएटेड इन द एयर। दिस मेक्स द साउंड वेव दैट प्रोपोगेट्स थ्रू द मीडियम। कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, रेयर फैक्शन इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर। और यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, अगर आप ध्यान से देखो, अब वेव, वेव क्या होती है, साउंड वेव हम बोलते हैं ना, तो एक वेव होती क्या, तो अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम एंड द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल इन टू मोशन। दे इन टर्न प्रोड्यूस सिमिलर मोशन इन अदर्स। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्व्स, बट द डिस्टर्बेंस इज कैरीड फॉरवर्ड। ये एक चीज़ अभी नोट करके रखना है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा जब यहाँ पे अभी हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। और इस पे भी CAPF में क्वेश्चन देखना, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में आपके कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, यानी कि साउंड को एक मीडियम चाहिए ट्रैवल के लिए, बिकॉज अभी मैंने बताया कि जब वो पार्टिकल्स हैं किसी मीडियम में, वो वाइब्रेट होंगे और वो एक इधर से इधर इस पार्टिकल को ट्रांसफ़र करेंगे। ये हमने अभी इस पैराग्राफ में पढ़ा, ट्रांसमिट होंगे एक पार्टिकल्स के थ्रू, वो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। और एक पार्टिकल दूसरे, वो खुद ट्रैवल करके नहीं जाता है, बल्कि वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है, भाई पहुँचा देना इस बात को, भाई पहुँचा देना इस बात को, तो ऐसे करके वो ट्रैवल करता है। वैसे इस चीज़ को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव वो बोलते हैं, क्यों बोलते हैं अभी आप आगे देखेंगे। बट साउंड एक मैकेनिकल वेव है, और इसको मैकेनिकल वेव है, और इसको मटेरियल चाहिए प्रोपोगेट होने के लिए, एयर, वाटर, स्टील। जैसे स्टील में सबसे ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, स्टील में सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे जो हमारी लाइट वेव होती है, लाइट वेव वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, ठीक है, बट जो हमारी साउंड वेव है, बिकॉज इसको मीडियम चाहिए, वैक्यूम में कोई मीडियम है ही नहीं, तो कहाँ से ट्रैवल करेगी, ट्रैवल ही नहीं करेगी। तो इसका मतलब है इट नीड्स, ठीक है, एक सेकेंड, इट नीड्स अ मीडियम टू प्रोपगेट। टेक एन इलेक्ट्रिक बेल एंड, ये पूरा एक्सपेरिमेंट दिया, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, हमारी साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। अब यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, वो समझ लो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ठीक है, अभी मैंने आपको साउंड वेव के बारे में बताया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ट्रैवल होती हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि आपने कभी पानी में देखा है, या फिर जैसे एक लहर आई, ठीक है, लहर में जैसे कोई नाव है, ठीक है, लहर आई, या फिर जैसे नाव है, शिप है, तो लहर आती है, वो उठता है वैसे ही, ठीक है, वो उठता है और वो वहीं पे सेटल हो जाता है। ऐसा तो नहीं भाग गया आगे, ऐसा तो होता नहीं जब ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ये पॉन्ड है, तालाब है, फिर नदी में आप ऐसे एक वो पत्थर फेंकते हो, तो क्या होता है, ऐसे तरंगे से उठती हैं, ठीक है, और उस तरंगों से होता क्या है कि वो आगे आगे चलती जाती हैं, लेकिन वो जो पार्टिकल्स हैं वो आपके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के पैरेलली वाइब्रेट करते हैं, फिर पैरेलली चलते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। बट अगर हम देखें तो यहाँ पे वो साफ साफ लिखा है, वो बैक एंड फोर्थ इन दीज वेज द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस। द पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट दे सिंपली ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर पोजिशन ऑफ रेस्ट। दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ साउंड वेव प्रोपोगेट्स, एंड साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लेकिन अगर हम वहीं ट्रांसवर्स वेव्स की बात करें, तो जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं आपकी, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव जो है होती हैं आपकी, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप साफ साफ देख सकते हो, देर इज अनदर टाइप ऑफ वेव कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। इन अ ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल डू नॉट ऑसिलेट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, बट ऑसिलेट अप एंड डाउन अबाउट देयर मेन पोजिशन एज द वेव ट्रेवल। जैसे ट्रांसवर्स वेव इज द वन इन विच इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव अबाउट देयर मेन पोजिशन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर। यहाँ पे मेन जो कीवर्ड्स हैं वो वही हैं, परपेंडिकुलर और यहाँ पे पैरेलली वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, वहाँ पे पैरेलली और यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है। वेन वी ड्रॉप अ पेबल इन द पॉन्ड, द वेव्स यू सी इन द ऑन द वाटर सर्फेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। बिल्कुल, जो मैंने आपको बताया था कि अभी जैसे कि आपका शिप है, कोई बोट है, तो जैसे कि कोई आपका एकदम से लहर आई, ठीक है, तो वहीं का वहीं पे रहता है, बिकॉज वो बैक एंड फोर्थ वहीं पे वाइब्रेट करता है, आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स वेव की खासियत होती है। तो ये आपको डिफरेंस नोट कर लेना है कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में इतना डिफरेंस होता है कि यहाँ पे आपके पैरेलली वाइब्रेट होंगे जो पार्टिकल्स होंगे अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन, जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और जो आपकी साउंड वेव है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, जो आपकी साउंड वेव्स हैं, और ये जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं इसके एग्जाम्पल होती है आपकी लाइट वेव्स, ठीक है। इसको मीडियम चाहिए प्रोपोगेशन के लिए, इसको कोई मीडियम नहीं भी होगा तो भी प्रोपोगेट कर जाएगी, ठीक है, मीडियम होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पे, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड होता क्या है, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ स्लिंकी दिखाया गया कि जिस प्रकार आप स्प्रिंग खींचते हो, तो जो पार्टिकल है वो पैरेलली खींचते हैं, पैरेलली फिर आप उसको ऐसे छोड़ते हो तो पैरेलली वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, तो इसी वजह से उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, ठीक है। अ साउंड वेव इन ग्राफिक फॉर्म इज शोन इन दिस, विच रिप्रेजेंट हाउ डेंसिटी एंड प्रेशर चेंज द साउंड वेव मीडियम फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। कंप्रेशन आर द रीजन्स वेयर पार्टिकल आर क्राउडेड टूगेदर एंड रिप्रेजेंटेड बाई द अपर पोर्शन ऑफ द कर्व, द पीक रिप्रेजेंट द रीजन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे ये दिखाया गया कि जब हम बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड, ये रिकॉर्डर चल रहा है, ठीक है, ये रिकॉर्डर चल रहा है, जैसे ही मैं बोलता हूँ तो इस चीज़ को आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ, ऐसे ही कुछ, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो एकदम मतलब सेम ही साउंड निकल रहा है, सेम लाउडनेस, सेम इंटेंसिटी का साउंड निकल रहा है, ऐसा तो है नहीं। कभी मैं जोर से बोलता हूँ, कभी धीरे बोलता हूँ, कभी जोर से, कभी धीरे से, ठीक है। तो ये जो कंप्रेशन, और जब मैं जोर से बोलता हूँ तो ये पार्टिकल क्या है, एकदम ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं और ज़्यादा पास पास होते हैं, फिर जब मैं थोड़ा सा धीमे होता हूँ तो उतना ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करते हैं, तो ये केस, इसको बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कंप्रेशन, या फिर अभी हम आगे देखेंगे इसको हम क्रेस्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम बोलते हैं क्या, रेयर फैक्शन, या फिर ट्रफ के नाम से जानते हैं, रेयर फैक्शन, या फिर इसको हम ट्रफ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और वही यहाँ पे दिखाया गया है कि जब आप इसको, अभी मैंने बोला, दिखाया था ना उसमें आपको, वैसे ही, ठीक है, ये आपका ये कंप्रेशन हो गया, ये रेयर फैक्शन, ये कंप्रेशन, रेयर फैक्शन। अब इसको अगर हम ग्राफ में ड्रॉ कर दें तो ग्राफ में कुछ ऐसा दिखता है, ये हमारा जो ऊपर होता है ये कंप्रेशन होता है, ये रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, ठीक है। तो इसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं, फिर कंप्रेशन है, फिर रेयर फैक्शन बोलते हैं। कंप्रेशन अभी मैंने बताया था कि एकदम पास पास होते हैं और हाई प्रेशर रीजन होता है, और ये आपका लो प्रेशर रीजन होता है जो रेयर फैक्शन वाला होता है, ठीक है। साउंड प्रोपगेट्स एज डेंसिटी और प्रेशर वेरिएशंस एज शोन इन दिस रिप्रेजेंट्स ग्राफिकली द डेंसिटी एंड प्रेशर वेरिएशंस। रेयर फैक्शन आर रीजन्स ऑफ लो प्रेशर वेयर पार्टिकल आर स्प्रेड अपार्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाई द वैली, वही जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। चलो
डिस्टेंस, हाँ ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपके बनेंगे, न्यूमेरिकल भी आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ एज शोन इन दिस। अब समझो ये दो कंप्रेशन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये इसको बोलते हैं वेवलेंथ, या फिर ये जो तो आपके रेयर फ्रैक्शन है, ठीक है एक सेकेंड, ये जो आपके रेयर फ्रैक्शन ये वाला और ये वाला, तो इसके बीच में अगर मैं बोल दूंगा तो ये आपका वेवलेंथ होगा। अब ये नहीं कि इसके बीच में यहाँ ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस आपकी वेवलेंथ होती, नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये कहलाएगी वेवलेंथ, यानी दो कंप्रेशन के बीच में या फिर दो रेयर फ्रैक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी टेल्स हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर्स। फ्रीक्वेंसी जैसे आप बोलते हैं ना कि इस चीज़ की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, यानी कि मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, जैसे कि मेरे, हाँ, वीडियो डालने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, या फिर मैंने कि मैं ज़्यादा नंबर ऑफ़ वीडियोस अभी डाल रहा हूँ, मेरे वीडियो डालने की फ्रीक्वेंसी कम है, यानी कि मैं कम नंबर ऑफ़ वीडियोस डाल रहा हूँ, यानी कि कोई इवेंट कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स हो रहा है, इवेंट अगर हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सपोज यू आर बीटिंग अ ड्रम, हाउ मेनी टाइम्स यू आर बीटिंग अ ड्रम इन अंटिल टाइम इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ योर बीटिंग इन द ड्रम। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाता हूँ। वी नो दैट व्हेन साउंड इज़ प्रोपोगेटेड थ्रू अ मीडियम द डेंसिटी ऑफ द मीडियम ऑसिलेट्स बिटवीन अ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। अभी दिखाया द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू, देन अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू टू द देन अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू मेक्स वन कंप्लीट ऑसिलेशन। देखो ये था आपका पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैक्सिमम वैल्यू एंड देन अगेन डिप एंड अगेन टू मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू डिप एंड अगेन टू मैक्सिमम वैल्यू। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसको बोलेंगे पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन, और एक ऑसिलेशन मतलब ये एक फ्रीक्वेंसी है आपकी एक तरह से, ठीक है। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो देखना अभी यहाँ पे, ठीक है, एक ये फिगर है, एक आपका ये फिगर है, ठीक है, और इसको थोड़ा कंप्लीट और ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और एक आपका ये फिगर है। अब बताओ फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा इसकी होगी, देन इसकी होगी एंड देन इसकी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऑसिलेशन उसी टाइम में, काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशन नहीं हो रहे हैं, उतने ही टाइम में, इसको मैं अगर पूरा ड्रॉ कर दूँ ऐसे ऐसे करके, तो उतने नंबर ऑफ टाइम्स में किस में ऑसिलेशन सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, इसमें हो रहे हैं ना, यानी पास पास इसमें है ना, तो ये फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा होगी, सिंपल, ठीक है। द नंबर ऑफ सच ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, इफ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन दैट क्रॉसेस पर यूनिट टाइम वी विल गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, ठीक है। और इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक लेटर होता है जिसको बोलते हैं न्यू, क्या बोलते हैं न्यू, ठीक है, वी नहीं है ये न्यू है, और इसकी SI यूनिट ध्यान रखना हर्ट्ज होती है। इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, एक बार ऐसे करके पता नहीं कैसे कुछ NDA में क्वेश्चन बनाया था कि इनमें से यूनिट कौन सी नहीं है हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की, तो हर्ट्ज लिख दिया था, ठीक है, सेकेंड इनवर्ट्स लिख दिया था, और ऐसे करके था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हर्ट्ज होती है, सेकेंड इनवर्स भी होगी, क्यों? क्योंकि अभी हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1/टाइम, यही तो है कि जितना कम टाइम लगेगा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि कम टाइम तो ये तो लग रहा है कम टाइम में ज़्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहा है कि नहीं, तो यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपकी फ्रीक्वेंसी विद द टाइम, ज़्यादा टाइम लेगा मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगा। द टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन क्रॉस अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, ठीक है। वी कैन से दैट द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई टी, द SI यूनिट इज सेकेंड, ठीक है, टी टाइम की तो सेकेंड होती है SI यूनिट, तो फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वी नहीं है, आई अगेन रिपीट, ये न्यू है, न्यू इज इक्वल्स टू 1/टाइम, ठीक है। तो टाइम जितना कम उतना ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। अ वॉयलिन एंड अ फ्लूट मे बोथ बी प्लेड एट द सेम टाइम इन एन ऑर्केस्ट्रा, बोथ साउंड ट्रैवल थ्रू द सेम मीडियम दैट इज एयर एट आर ईयर एट द सेम स्पीड, बोथ साउंड ट्रेवल एट द सेम स्पीड इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, बट द साउंड वे रिसीव आर डिफरेंट, दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद द साउंड, पिच इज वन ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे हम पिच के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, पिच के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम जैसे कि वॉलिन बजाए ड्रम बजाए, ठीक है, दोनों ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बट दोनों का हम साउंड डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं, एक मेल की वॉइस एक फीमेल की वॉइस में हम साउंड डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि दोनों की पिच डिफरेंट है, दोनों की क्या डिफरेंट है, पिच, ठीक है। अब दस अब हाई पिच साउंड्स करिस्पॉन्ड्स टू मोर नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। अब अच्छा ये लाइन लिखी है यहाँ पे, ये लाइन क्या बोल रही है कि हाई पिच का मतलब है कि उसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, तो अब मुझे बता दो आप कि जो एक हाई पिच का साउंड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी कि कम होगी,
फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, हाई पिच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी, तो ध्यान रखना हाई पिच का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्रेशन रेयरफैक्शन हो रहा है, ठीक है, मोर नंबर ऑफ कंप्रेशन, और वही पिच का मतलब है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है आपका पिच और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम और ऑन द आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले पिच को ढंग से देख लेते हैं। पिच को ऐसे देख लिया, लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेव शेप और लो पिच साउंड है और ये हाई पिच का साउंड है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो फीमेल की वॉइस है उसकी पिच या फिर फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, ज़्यादा। तो अगर मैं बोलूँ कि पिच इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ वॉट, तो पिच इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ध्यान रखना। अभी हम देखेंगे लाउडनेस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एम्पलीट्यूड, पिच इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी, इतना चीज़ ध्यान रहेगा, यानी कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका पिच ज़्यादा, क्लियर। जैसे कि ये मेल का वॉइस बोल सकते हो, मेल का जो वॉइस होता है उसका कम होता है, जैसे कि आपका लायन है, ठीक है, और एक मस्कीटो है, एक शेर है और एक मच्छर है, ठीक है। शेर की पिच ज़्यादा होगी या मस्कीटो की, आपका होमवर्क है, बताओ कमेंट में। शेर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी या फिर मॉस्कीटो की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, कमेंट में आप बताइए, ठीक। अब यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्स, अब बात करते हैं किसकी, एम्पलीट्यूड की। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम और ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अब क्या है ये मीन वैल्यू, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो आप बोल सकते हो कि कितने टाइम में वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये तो है, मतलब एक ऑसिलेशन पूरा करने में टाइम लगा तो टाइम पीरियड, और वन अपॉन टाइम पीरियड कर देंगे तो उससे आपका फ्रीक्वेंसी निकल आएगा। अभी एम्पलीट्यूड क्या है, तो एम्पलीट्यूड ये है, ये, ठीक है, ये। अब ये तो मैंने एक साउंड तो मैंने ऐसे ऐसे करके बनाया था ना, फिर एक ऐसे 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 करके बनाया था, तो मैंने डिफरेंस पूछा था, लेकिन अब मैं फिर से बनाता हूँ। एक ये साउंड है, ठीक है, एक ये साउंड है और एक ये साउंड है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम मान लो, लेकिन कुछ डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? डिफरेंट ये कि उतना उठ नहीं रहे, उतना नीचे नहीं जा रहे, ये बहुत उठ रहा है, ये बहुत नीचे जा रहा है। इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड है ही वही मतलब है कितना उठ रहा है ऊपर, कितना नीचे जा रहा है, और ये एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करता है किसको, लाउडनेस को, ठीक है। आपकी फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है पिच को, ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन आता है, एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करता है लाउडनेस को। तो जितना ही साउंड लाउड होगा उतना ही ज़्यादा और उठेगा, और दहाड़ो और उठेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि एम्पलीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, शेर का कि, या चलो शेर वाला एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ता हूँ, मेल की वॉइस का कि फीमेल का, तो एम्पलीट्यूड मेल फीमेल यहाँ जज नहीं कर सकते, यहाँ पे जो ज़्यादा जोर से बोलेगा उसका ही होगा। यहाँ पे हम उस मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट नहीं करते, यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन है दैट इज़ लाउडनेस, कि कितनी जोर से कौन बोल रहा है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बेसिकली बाई इट्स एम्पलीट्यूड। द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिपेंड ऑन द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट, सिंपल, ठीक है, आप समझिए होंगे। जैसे कि ये आप देख सकते हो, इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये लाउडर साउंड है, ये सॉफ्ट साउंड है, ठीक है। द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक विच इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश अ साउंड और डिस्टिंग्विश वन साउंड फ्रॉम अनदर हैविंग द सेम पिच एंड लाउडनेस। अब मान लो कि पिच भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड भी सेम है, अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो एक क्वालिटी होती है जिसको टिम्बर भी बोलते हैं, वो होता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं जरा, ठीक है। अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। अब जैसे कि मान लो सेम एम्पलीट्यूड है, सेम आपका पिच है, अब डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, टिम्बर से, ठीक है। अब टिम्बर क्या होता है, तो टिम्बर यहाँ पे लिखा हुआ ना, ठीक है, क्वालिटी या फिर टिम्बर, तो द साउंड विच इज मोर प्लेजेंट इज कॉल्ड ऑफ रिच क्वालिटी। तो कैसे होता है, अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं टोन, समझ गए आप। सारी चीज़ें सेम है, आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप टोन से, टोन और आपका यहाँ पे आएगा नोट, दो चीज़ होती है, टोन और नोट। अब डिफरेंस क्या होता है दोनों में, डिफरेंस ये होता है कि टोन इज अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, टोन इज अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, नोट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज, मिक्सचर होता है फ्रीक्वेंसीज का, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर होता है, इतनी कुछ चीज़ क्लियर। अच्छा बताओ, प्लेजेंट म्यूजिक कौन क्रिएट करेगा, टोन की नोट, जाहिर सी बात है नोट क्रिएट करेगा, क्योंकि हमें उतार चढ़ाव, क्या होता है जब कोई गाना गाता है तो एकदम हाई जाता है लो जाता है, तो वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर है, एंड दैट इज इट विल बी प्लेजेंट टू लिसन टू, राइट। नॉइज़ इज अनप्लेजेंट टू हेयर, म्यूजिक इज प्लेजेंट टू हेयर, ठीक है, बिकॉज वो रिच क्वालिटी का है। न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें, लेकिन उससे पहले एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज ए डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ वेव सच एज कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन ट्रेवल्स पर यूनिट टाइम. आई अगेन रिपीट, द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज दिस डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन अ वेव सच एज अ कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन ट्रेवल्स पर यूनिट टाइम. तो कितना ट्रैवल कर रहा है वो डिटरमाइन करता है. सिंपल है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये तो हम पढ़ के ही आ रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये स्पीड है साउंड की, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है. अब यहाँ पर डिस्टेंस को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर देते हैं. जब किसी वेव में पार्टिकल की डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया अगर उसको हमें दर्शाना होता है तो उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर देते हैं दूरी को. ठीक, और ये अभी देखो v इज इक्वल टू लैम्डा पॉन टी है ना, तो लैम्डा इंटू वन अपॉन टी लिख सकता हूँ. और ये वन अपॉन टी क्या है, फ्रीक्वेंसी तो है. फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने कैसे दर्शाया था, न्यू से दर्शाया था ना, तो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा हो जाएगा. अगर तुम्हें बहुत कन्फ्यूजन लगता है कि v और न्यू में तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लिख सकते हो, जहाँ पे f फ्रीक्वेंसी है आपकी, न्यू भी फ्रीक्वेंसी, f भी फ्रीक्वेंसी. अगर इसमें दिक्कत है तो इसको याद कर लो. ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज इन अ गिवन मीडियम अंडर द सेम फिजिकल कंडीशंस. ठीक है, आई अगेन रिपीट, द स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज इन अ गिवन मीडियम अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन. लाइट सी बात, अगर सारी फिजिकल कंडीशन सेम रहेंगी तो स्पीड ऑफ साउंड भी सेम रहेगा. ठीक, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल है. अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी इतना एंड हैज़ वेवलेंथ इतना, कितना समय लेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर. पॉज करो, करो, अपने आप से नहीं कर पा रहे हो ट्राई करो. अभी आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे ये 2 किलो हर्ट्ज में, पहले तो उसको हर्ट्ज वगैरह में कन्वर्ट कर लो फ्रीक्वेंसी को. तो फ्रीक्वेंसी को मैंने हर्ट्ज में कन्वर्ट किया, किलो का मतलब होता है 1000, तो 2000 हर्ट्ज यहाँ से निकल के आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे वेवलेंथ दिया है, लैम्डा दिया 35 सेंटीमीटर. एसआई यूनिट में इन सबको कन्वर्ट करके रखो पहले तो. ठीक है, अब एसआई यूनिट यानी मीटर होती है वेवलेंथ की, तो यहाँ पे 0.35 मीटर लिख सकता हूँ मैं. अब यहाँ पूछ रहा कितने में ट्रैवल करेगा, 1.5 किलोमीटर कितना टाइम लेगा उसको ट्रैवल करने में. ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हमें स्पीड ऑफ साउंड निकाल लेंगे यहाँ से. पहले दो बार अप्लाई करना होगा इस फॉर्मूले को. ठीक है, तभी तो, क्योंकि कितना टाइम लेगा ये ट्रैवल करने में. तो स्पीड इसको सिर्फ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस तो बंदे ने दे रखा है, टाइम तो पता नहीं है. ठीक है, तो स्पीड पहले निकाल लें, ये जो दिया है पहला. ठीक है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा पढ़े थे, तो 2000 × 0.35 करेंगे कितना आएगा, 700 मीटर पर सेकेंड आएगा. अब 700 को यहाँ रख दो, डिस्टेंस कितना दिया है 1500 मीटर. ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे अपॉन टाइम. ठीक है, तो ये दो ये कटा और आपका ये आपका 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2.1 सेकेंड यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा. ठीक, चलो अब यहाँ पे आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो. ठीक है, जैसे व्हाट आर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, हाउ आर द वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज दिस एंड स्पीड इज दिस इन अ गिवन मीडियम. तो स्पीड इतनी है आपकी, फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा अगेन लगा देंगे, वेवलेंथ निकालनी है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी दी है 220 हर्ट्ज़, वेलोसिटी आपकी दी है 440 f. ठीक है, तो यहाँ आएगा कितना, 2 आ जाएगा. वैसे आप इसको सॉल्व करो. ठीक है, ठीक, चलो अब आते हैं, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी. वी समटाइम यूज द टर्म्स लाउडनेस एंड इंटेंसिटी इंटरचेंजेबली, बट दे आर नॉट द सेम. लाउडनेस इज अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर ऑफ द साउंड. इवन वेन टू साउंड्स आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, वी मे हियर वन एज लाउडर दैन अदर सिंपली बिकॉज आर ईयर डिटेक्ट्स आर बेटर. तो जरा आप यहाँ से इंटेंसिटी का भी डेफिनेशन देख लेंगे. अगर पूछ लेता द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक सेकेंड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड. तो एनर्जी ज़्यादा भी पास ऑन हो सकती है और कम भी पास ऑन हो सकती है. तो इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी किसका मेजर है, अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड. ठीक है, चलो स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा किस में होगी. ठीक, द साउंड प्रोपगेट थ्रू अ मीडियम एट अ फाइनाइट स्पीड. द साउंड ऑफ अ थंडर इज हर्ड एट लिटिल लेटर देन द फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन. बिजली कड़कती है आपको चमक तो तुरंत दिखाई दे जाती है, लेकिन साउंड थोड़ी देर में आता है. क्यों? क्योंकि जो आपकी साउंड की स्पीड होती है वो कम होती है. अराउंड अगर मैं बात करूँ 340 मीटर पर सेकेंड होती है एयर में, अगर बात करें. ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे बात करूँ वो 330 होती है, बट वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है. ठीक है, 340 मीटर पर सेकेंड होती है अराउंड, जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर. और अगर हम बात करें जो लाइट होती है उसकी स्पीड 3×10⁻¹ मीटर पर सेकेंड होती है. तो ज़्यादा फास्टली कौन ट्रैवल करेगा, ये ट्रैवल करेगा, तभी हमें दिखाई देता है. इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार. ठीक है, तो इतना चीज़ तो बेसिक आपको क्लियर हो गया, क्योंकि हमें साउंड ऑफ, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड से, इस वजह से हमें वो पहले दिखाई पड़ जाती है, बाद में सुनाई देती है. ठीक है, सो वी कैन मेक आउट दैट साउंड ट्रैवल्स विद अ स्पीड विद मच लेस, वो तो सब पता है. ठीक है,
अब यहाँ पे देख लो, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। सबसे पहली तो चीज़ तुम यहाँ पे ये याद रखोगे कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उसके बाद उसमें गैस में सबसे बाद, ठीक है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होगी साउंड की, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको एक एक का याद नहीं करना है, एल्यूमिनियम में कितने, निकल में कितनी, ये सब बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं। अगर आपको करना भी तो गैसेस का कर सकते हो कि हाँ हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होती है, इवन कुछ लिक्विड से भी ज़्यादा होती है, जैसे अगर हम देखें तो इन दोनों से ज़्यादा, एथेनॉल और मेथेनॉल से, ठीक है। हाइड्रोजन का ज़्यादा, हीलियम, ये सब आपकी गैसेज है, तो गैसेज में सबसे कम स्पीड ऑफ साउंड होती है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर आपको देखना है तो इसका थोड़ा सा देख लो, और वो भी रटने की ये जरूरत तो नहीं है, बस ये देख लो हाइड्रोजन की थोड़ा ज़्यादा, हीलियम की, फिर उसके बाद एयर, ऑक्सीजन, SO2, ठीक है। अभी आते हैं, ठीक है, ये आपका आता है सोनिक बोम। तो सोनिक बोम इसको हम अभी लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, लास्ट में। अभी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ लेते हैं, उसके बाद सोनिक बोम को लास्ट में देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन, जैसे कि हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, आपने लाइट रिफ्लेक्शन तो सुना ही होगा, है ना, कि जैसे आप अपनी तस्वीर देख पाते हो, इमेज देख पाते हो मिरर में, बिकॉज आपका जो लाइट रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में पड़ रही हैं, राइट। ऐसे साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है। साउंड बाउंसेज ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड लाइक अ रबर बॉल बाउंसेज ऑफ अ वॉल, लाइक लाइट साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड द सर्फेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड एंड फॉलोज द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज यू स्टडीड इन अर्लियर क्लास। कौन सी क्लास में, जो हम अगली अपने आने वाली क्लास से पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन हो गया आपका, और आपका जो रिफ्रैक्शन है वो सारा जो हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो उसमें हम एक लॉ पढ़ेंगे, स्नेल्स लॉ भी हम पढ़ते हैं, जिसमें कि वो दो उसके लॉ होते हैं। एक लॉ ये बोलता है कि जिस एंगल पे रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है, फॉर एग्जांपल 45 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है, तो 45 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होगा, ठीक है। द डायरेक्शन, यानी कि सेम लॉज यहाँ पर भी फॉलो होते हैं। द डायरेक्शन इन विच द साउंड इज इंसिडेंट एंड इज रिफ्लेक्टेड मेक इक्वल एंगल्स विद द नॉर्मल, ये जो मैंने ड्रॉ किया बीच में नॉर्मल है, टू द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द थ्री, ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन। ये दो आपके लॉ होते हैं कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एन ऑब्स्टेकल ऑफ लार्ज साइज विच मे बी पॉलिश्ड और रफ इज नीडेड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव्स, ठीक है। यानी पॉलिश्ड और अच्छा खासा रफ टफ होना चाहिए, तभी हम वहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी हम इसके बारे में ढंग से पढ़ते हैं, देखिएगा, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन से ही जनरेट होता है इको, क्या जनरेट होता है, इको जनरेट होता है। अब इको में लिखा है कि सेंसेशन, ठीक है, दिस साउंड विच वी हियर इज कॉल्ड एन इको, यानी कि इफ़ यू शाउट और क्लैप नियर अ सूटेबल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट सच एज टॉल बिल्डिंग और माउंटेन, ठीक है। अगर हम किसी टॉल बिल्डिंग या माउंटेन में, अगर हिल्स में कभी जाएं और अपना नाम जोर जोर से लें, तो हमें वो क्या है, रिफ्लेक्ट होकर आता है कि नहीं आता है, ये तो आपने ऑब्जर्व किया ही होगा। दिस सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड, तो ये जो साउंड आता है सेंसेशन, वो हमारे 0.1 सेकेंड तक रहता है हमारे किसमें, ब्रेन में। टू हियर, इसीलिए टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको द टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड वन मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड, बिकॉज 0.1 सेकेंड तक वो रहता है दिमाग में। जैसे मैंने बोला, अपना नाम बोला कि कुछ भी, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे वो सुनाई दे रही हैं चीज़ें, बट वो 0.1 सेकेंड तक मेरे ब्रेन में रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से अगर मुझे डिस्टिंक्ट इको हियर करना है, तो 0.1 सेकेंड तक का डिफरेंस होना चाहिए ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में। अगर हम स्पीड ऑफ साउंड ले लें 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो चीज़ें निकल के आएंगी वो ये निकल के आएंगी कि अगर हमें डिस्टिंक्ट इको सुनना है तो सोर्स के बीच में और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में मिनिमम 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ कैसे है। अभी हमने देखा 340 मीटर, अराउंड 344 मीटर पर सेकेंड क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड होती है इन अ नॉर्मल आपका जो मीडियम होता है उसमें, ठीक है। पहली बात तो ये आप समझ गए कि जैसे आपका ये कान है और आपने कुछ सुना तो 0.1 सेकेंड तक रिटेन रहता है, और अभी मैंने बताया कि स्पीड ऑफ साउंड होती है 344 मीटर पर सेकेंड, इसको हम लेके चलते हैं, ठीक। टाइम आप बोल रहे हो, अगर आपको इक्वल ढंग से सुनना है तो 0.1 सेकेंड का टाइम होना चाहिए। अच्छा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो टाइम की जगह आप 0.1 रखो, जब 0.1 रखोगे यहाँ पे आएगा तो 34.4 मीटर हो जाएगा ये डिस्टेंस, ये हो जाएगा। अब ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, ठीक है, मैंने कुछ बोला, ये रिफ्लेक्टेड जहाँ से मेरी साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो मैंने बोला यहाँ से साउंड होके रिफ्लेक्ट होके आ रही है, अब यहाँ पे गई रिफ्लेक्ट होके आई है, तो इसका मतलब अगेन वापस आएगी। इसका मतलब ये है कि इस साउंड ने, अगर मैं उसका टाइम ले रहा हूँ कि उसने जाते में और आते में 0.1 सेकेंड का टाइम लिया, यहाँ से गया और वहाँ से आया 0.1 सेकेंड का टाइम लिया, स्पीड इतनी है, तो मेरे पास जो डिस्टेंस निकल के आता है ये 34.4 मीटर,
लेकिन ये डिस्टेंस ये 34.4 मीटर नहीं 17.2 मीटर होगा। क्यों इसको मैं दो से भाग करूँगा, क्यों दो से भाग करूँगा? बिकॉज ये जाने का समय भी है और आने का समय, यानी साउंड गया होगा 17.2 मीटर एंड अगेन 17.2 मीटर यहाँ से वापस आया होगा, इसी वजह से वो 34.4 निकल के आया है। तभी मैं बोल रहा हूँ इन दोनों के बीच में मिनिमम 17.2 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, अगर मुझे डिस्टिंक्ट इको हियर करना है तो। ज़्यादा होगा चलेगा, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए, इससे कम होगा तो नहीं सुनाई देगा। इतनी चीज़ क्लियर? यानी कि डिस्टिंक्ट इको हियर करना है तो टाइम 0.1 सेकेंड का होना चाहिए ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में, और डिस्टेंस होना चाहिए सोर्स और रिफ्लेक्टेड सर्फेस के बीच में 17.2 मीटर्स का। ठीक, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अभी अब बात करते हैं रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है? आपने कभी एक बड़े से हॉल में अपना नाम पुकारा है, फिर कुछ बोला है तो बार 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 आपकी आवाज़ लौट के आती है, इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। जहाँ पे आपके मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड होते हैं दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड, ठीक है, द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट्स इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन इन एन ऑडिटोरियम बिग हॉल। वही जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इको पे। अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको 2 सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड ऑफ साउंड? निकालो इसको, अपने आप से निकालो, इंतजार मत करो कि मैं निकालूंगा, मैं तो निकाल रहा हूँ बट आप पॉज करके निकालो। उम्मीद करता हूँ सभी ने कर लिया होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे, किसी को कोई इसमें दिक्कत? क्योंकि हमें तो डिस्टेंस निकालना है, स्पीड दिया है, टाइम दिया है, तो डिस्टेंस ये है और टाइम 2 सेकेंड का, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा? मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? 692। ये किस में आएगा? मीटर्स में ही आएगा ना, हाँ मीटर में आएगा। तो क्या ये 692 मीटर की डिस्टेंस है? पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 2 सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड ऑफ साउंड वी इज टेकन एज 346। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर सभी को, 692 आ गया। लेकिन क्या ये डिस्टेंस होगी क्लिफ और पर्सन के बीच में? नहीं, ये तो पूरा टाइम है, जाने का भी टाइम और आने का भी टाइम, तो इस वजह से इसको मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। ठीक, इसको मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा और 346 निकल के आ जाएगा। अगर वो मुझसे पूछता कि पूरे साउंड ने कितना टाइम लिया है ट्रैवल करने को, तो मैं डिवाइड ना करता, लेकिन मुझसे इसके और इसके बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, बट ये जो डिस्टेंस निकल के आया वो पूरे दोनों का यहाँ पर निकल के आया, इसी वजह से मैंने 2 से उसको डिवाइड कर दिया। अब इसको भी वैसे ही निकाल लो, सेम क्वेश्चन है। यूज इज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो मेगाफोन में, सहनाई, लाउड हेलर्स, हॉर्न, इनमें इनका यूज़ करते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का। पौ पौ ये आपने भोपू सुना होगा, ठीक है, जब गांव में होते थे तो बर्फ़ बेचने आता, बर्फ़ वाला ये बजाता था। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा है, वो ऐसे साइकिल रहती थी, ठीक है, और पीछे वो डब्बा रहता था और उसी में डब्बे में लगा होता था और ठीक। चलो, स्टेथोस्कोप में भी इसका यूज़ होता है, ध्यान रखना, ठीक है, जिससे आपका ये हार्ट बीट चेक करता है आपका जो डॉक्टर होता है, ठीक है। और यहाँ पे वही लिखा हुआ है, कुछ मतलब एप्लीकेशन लिखा हुआ है, अपन अपने खुद से पढ़ सकते हो। जैसे कि सम टाइम्स, एक सेकेंड, सम टाइम्स अ कर्व्ड साउंड बोर्ड मे बी प्लेस्ड बिहाइंड द स्टेज सो दैट द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द साउंड बोर्ड स्प्रेड्स इवनली अक्रॉस द विड्थ ऑफ द हॉल, और रिवर्बरेशन ना क्रिएट हो, ठीक है, वहाँ पे पीछे रख दिया जाता है ताकि डिस्टेंस बढ़ जाए, ठीक है। रेंज ऑफ हियरिंग, तो अब ये समझ लो कि कितनी ह्यूमन ईयर्स की रेंज होती है हियरिंग की, तो ध्यान रखना हम हियर कर सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज़ के बीच का जो जो ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़, इसको मैं और भी क्या लिख सकता हूँ, 20 किलो हर्ट्ज़ भी तो लिख सकता हूँ। तो यानी 20 हर्ट्ज़ और 20 किलो हर्ट्ज़ के बीच में जो साउंड होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसी को मैं डिस्टिंक्टली हेयर कर सकता हूँ। इससे कम होगी नहीं हेयर कर पाऊंगा, इससे ज़्यादा होगी नहीं हेयर कर पाऊंगा। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे अगर बात करें डॉग हो गए, डॉग्स हो गए, ठीक है, आपके बैट्स भी हो गए, आई थिंक डॉग्स होते हैं आपके, और जो चिल्ड्रन होते हैं छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से छोटे, ठीक है, छोटी बच्ची, तो छोटी बच्ची आपकी ये 20 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर का साउंड सुन सकती है, फिर सुन सकते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे और डॉग्स हो गए, ठीक, क्योंकि वो उनके अभी ईयर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। और जैसे ही हम ओल्ड होते रहते हैं, ओल्ड होते रहते हैं, हमारे जो ईयर्स हैं वो कम सेंसिटिव होते जाते हैं, और इसी वजह से फिर हमें ऊंचा सुनाई देने लगता है, ठीक है। राइनासोर्स होते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं 5 हर्ट्ज़ की कम फ्रीक्वेंसी में, 5 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी, यानी 20 हर्ट्ज़ से कम का, ठीक है। जो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से कम होती है उसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं, इंफ्रासोनिक बोलते हैं, और जिसका 20 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर का फ्रीक्वेंसी होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक है, अल्ट्रासोनिक, 20,000 से कम इंफ्रा, 20 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर अल्ट्रासोनिक, ठीक है। अल्ट्रासाउंड्स इज प्रोड्यूस बाई एनिमल्स सच एज डॉल्फिन, बैट्स, पॉपॉइजेस, पॉपॉइजेस की टॉर्टॉइजेस पता नहीं,
मॉथ्स ऑफ सर्टेन फैमिलीज हैव वेरी सेंसिटिव हियरिंग इक्विपमेंट दीज मॉथ्स. ठीक है. हियरिंग एड. ठीक है. एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड देख लो. अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज टू क्लीन पार्ट्स ऑफ हार्ट टू रीच, जैसे कि आपका ये काफ़ी सारी चीज़ों को क्लीन करने में, ठीक है, यूज़ किया जाता है. और अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स और फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स, मेटेलिक कॉम्पोनेंट. ठीक है. और अल्ट्रासाउंड्स का हमारा होता है ना, जो अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें क्या होता है, इन्हीं अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि डिटेक्ट की जा सके अंदर की कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, कुछ बोन का फ्रैक्चर तो नहीं है, सारी चीज़ें. ठीक है. अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट एंड फ्रॉम द इमेज ऑफ द हार्ट. दिस इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी. ये एप्लीकेशन है, आपका होमवर्क है खुद से पढ़ना, मैं PDF आपका ग्रुप में डाल दूंगा. ठीक है. सोनार देख लेते हैं. तो सोनार का फुल फॉर्म पहले तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है. अब सोनार होता क्या है, तो ये आपका जैसे कि शिप होता है, ठीक है, तो हमें कोई चीज़ को डिटेक्ट करना है, ये आपका शिप है. ठीक है. हमें किसी चीज़ को डिटेक्ट करना है कि कोई चीज़ का यहाँ से कितना डिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी होता है सी में. तो यहाँ से इन साउंड्स को छोड़ा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स, सॉरी, हाँ, अल्ट्रासोनिक वेव्स को, ठीक है, जिनको हम सोनार बोलते हैं, और ये यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आती है, तो हमें उससे डिस्टेंस पता चल जाती है. और यहाँ पे वही सेम चीज़ काम करेगी, न्यूमेरिकल में आप सेम चीज़ लगाओगे जो आपने इको वाले में लगाई थी. अगर जैसे मैं कुछ स्पीड दे दे आपको, टाइम दे दे, डिस्टेंस पूछ ले कि इस शिप के बीच में, इस पार्टिकल या फिर इस ऑब्जेक्ट के बीच में कितने डिस्टेंस है, डिवाइड बाई टू करना होगा आपको, क्योंकि ये पूरा टाइम निकल के आएगा आपका, यानी कि यहाँ से जाने में और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आने में. ठीक है. तो ये हम सोनास का यूज़ करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का, आपका शिप्स यूज़ करते हैं इसका. ठीक है. जैसे अब इस क्वेश्चन को करें, अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड वेव्स दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकंड इफ द स्पीड इज दिस. तो स्पीड है 1531. ठीक है. डिस्टेंस अपॉन टाइम 3.42. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और दो से डिवाइड कर देना, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप, यानी कि सी बेड का शिप से डिस्टेंस पूछ रहा है. ठीक है. ये आपका वही यहाँ पे लगेगा, आप देख सकते हो, बाद में आपको टू से यहाँ पे डिवाइड करना होगा. ठीक. स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर देख सकते हो, ये कभी इसे क्वेश्चन आता नहीं है. ठीक है. बस थोड़ा सा देख लो कि ये सब इसी के टर्म्स होते हैं, जैसे पिन्ना जो आपका ये होता है ना, एकदम कान में एकदम मोटा सा पार्ट होता है, एकदम बाहर लटक सा रहा होता है, जहाँ पे वो जो कान में बाली वगैरह पहना जाता है, तो वो वही होता है आपका पिन्ना. ठीक है. ये नीचे पिन्ना हो गया, ये सब अंदर होता है, हैमर, एनविल, स्टिरअप, सब कुछ. ठीक है. ऑडिटरी कैनाल, ये कान में जो ये होता है इसको ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म, और मिलेंगे अगले चैप्टर में, जो कि होगा आपका रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन यानी कि जो लाइट चैप्टर होगा उसमें. अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसको लाइक करके इसको शेयर जरूर कीजिएगा, बाकी अपनी राय कमेंट सेशन में जरूर रखिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, NDA CDS का आप लोगों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है. धन्यवाद.